वही महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार दोपहर 1:40 पर एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई है। हादसे में 10 की मौत हो गई है, वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें, मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन उनके शव इतने जल गए हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। वही यह फैक्ट्री महाराष्ट्र के औद्योगिकी विकास निगम यानी MIDC फेज 2 के कैंपस में स्थित है। वही स्थानीय लोगों ने बताया है कि छोटे छोटे लगातार 3 धमाके हुए। ये इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिए। वही आसपास की इमारतों के शीशों में दरारें आ गई। वही विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। कंट्रोल में है और NDRF की टीम, सिविल डिफेंस की टीम से यहाँ पे प्रेजेंट है और जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। अभी मॉर्निंग से हमने 3 बॉडीज रिकवर की है, अभी 3 बॉडीज हमने रिकवर की है। कल 5 निकाली थी, आज 3 हो गई, टोटल 1 की है बॉडीज और 2 का बताया जा सकता है कि 2 फंसे होने की संभावना है। आग तो काफी ज्यादा फैली थी और साथ ही बीच बीच में एक बार रुकने के बाद फिर से आग लग जाती थी, तो काम करने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। और जैसे देख रहे हैं एडवर्स कंडीशन है, केमिकल्स की फ्यूम्स है, हजार्डस केमिकल यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसमें डिटेक्टर्स की सहायता के साथ केमिकल की फ्यूम का उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सब जानकारी लेने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किया जा सकता है।